सारी बातें सिचुएशन के साथ हमारी बहुत अच्छी रही है सर। और सर मैं पिछली बार हमने देखा कि हमारे पास और भी दूसरी एनसीसी बटालियन थी, जब कैंप की बात आई तो मैंने बी के सीनियर एयरमैन मेरे सर से कहा भी कि सर ये पॉसिबल बड़ा मुश्किल सा है, लोग डरे हुए हैं कोरोना के कारण। सर ने कहा नहीं, कैंप की तरह ही होगा। और सर ने स्पेशली एडीजी साहब को लिखा, और शायद हमारी पहली बटालियन थी पिछले कोरोना काल में जिसने कैंपों को कैंप की तरह और जगह जगह जाकर के, जैसे पलवल के जो बच्चे थे पलवल किया कैंप, जो गुड़गांव के थे गुड़गांव किया, नू वालों का सपना किया। तो सर ये चीजें जो होती है ये हमेशा एक लैंडमार्क बन जाती है कि विषम परिस्थितियों में भी कैसे हम सकारात्मक सोच के साथ अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। और ये सर हमने पाया, ऑलवेज हम आपको याद रखेंगे सर इन सब चीजों के लिए। और आपकी जो बटालियन को आगे ले जाने की जो दे रहा है नए सीओ सर आपसे ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम सर आपको एश्योर करते हैं कि हम जो एनरोज है जो भी हमें ड्यूटी दी जाएंगी किसी भी ड्यूटी में कहीं भी हम पीछे नहीं रहेंगे सर, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है सर ने जैसा कहा है, क्योंकि हमारी एजुकेशन के प्रति भी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रति भी है, स्टूडेंट्स के प्रति भी है। लेकिन क्योंकि जब हमने यूनिफॉर्म वियर किया है तो वी विल एश्योर यू कि जो भी काम एज एनरोल हमें दिया जाएगा वी विल कम्प्लीट। थैंक यू सर, थैंक सर। इसके साथ ही सर हम आपका थोड़ा सा सम्मान करना चाहेंगे एनरोज की तरफ से। तो आई इनवाइट एनावर सर, राजकुमार सर, मैडम सर। एएनओस, पे स्टाफ, सिविलियन स्टाफ, वो को भी बताना, सभी मेरे इस सर्विस के सफर के इस पड़ाव के दौरान जो आप सब लोग मेरे साथ रहे उसके लिए दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एएनओस को भी बताया, मैं कल पे स्टाफ को भी बता रहा था, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस यूनिट का हिस्सा रहा। आप लोगों की टीम को मैं लीड करने का मुझे सौभाग्य मिला, बहुत बढ़िया टीम है ये, बहुत ज़बरदस्त टीम है। और ये मैं ही नहीं बोलता हूँ, ये बाकी लोगों से भी सुनने को मिलता है कि शायद पूरे ग्रुप में या डायरेक्टरेट में शायद एक ये बटालियन ऐसी है जिसमें एक खुशनुमा माहौल के साथ, जो एक अच्छे माहौल के साथ सब लोग अपना अपना जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। कमी पेशी जरूर होती है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है इंटेंशन के काम करने का प्रयास आप लोगों का अनक्वेश्चनेबल है। कहीं कुछ कमी रह भी जाती है तो उसमें सुधार करने का एक प्रयास तो हमेशा जारी रहता ही है। लेकिन बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ इस यूनिट का जो मैं हाईलाइट हमेशा करता रहा हूं आज भी करूंगा, वो है आप लोगों का डिसिप्लिन, और उसमें भी वो है सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे नहीं याद कि मुझे किसी को, चाहे वो पीआई स्टाफ है, सिविल स्टाफ है, एएनओस को, इस मामले में किसी को टिक ऑफ करने की कभी जरूरत पड़ी हो। पर्सनल कंडक्ट आप सब लोगों का एकदम टॉप क्लास रहा है, जो कि बहुत मैटर करता है। कैडेट्स के सामने हम सब की तरफ देखते हैं, कैडेट्स एएनओस हैं, वर्दी पहन लिया, पीआई स्टाफ हैं, हम सब की तरफ देखते हैं। और उस प्रोसेस में जो आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन आपने एक नमूना जो पेश किया है उसके लिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शांति से, बड़े एक आराम से, प्रेम से मेरा ये टेन्योर है आपने पूरा करने में मुझे सहयोग दिया।
बहुत जगह से इतने वैरायटी के लोग एक एनसीसी यूनिट में होते हैं, छोटी यूनिट नहीं है, एएनओ, पीए स्टाफ, सिविल स्टाफ, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग वर्किंग कंडीशन है सब लोगों की। इन सब में थोड़ी बहुत टसल होना, फ्रिक्शन होना, लड़ाई झगड़े होना बहुत एक साधारण सी बात है, पर चमत्कार बोले, भगवान का आशीर्वाद बोले, या आप सब लोगों का अपना व्यवहार है, इस मामले में इस यूनिट में एकदम से फ्लॉलेस काम एक तरीके से चला है। और मैंने ही नहीं, इसमें मेरा योगदान ये शायद एक यूनिट का ट्रेडिशन बन गया है। इसमें मैं कल भी बोल रहा था पीए स्टाफ को, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने बहुत बड़ा काम किया है, पिछले सीओज ने जो ट्रेडिशन सेट कर दिया है, जो परमानेंट स्टाफ है यहाँ का, जो पीए स्टाफ भी आने जाने वाला है, जो सिविलियन स्टाफ है, परमानेंट स्टाफ है यहाँ का, अपेयरनोज है जो ऑलमोस्ट परमानेंट है, आप सब लोगों का जब बहुत बड़ा योगदान है इस माहौल को बनाने में, क्रिएट करने में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरीके से ये बरकरार रहेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव में ही रह रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम टू ट्रेवल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी आप मुझे फोन करें किसी भी काम के लिए, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी काबिलियत में है, मैं करने की पोजीशन में होऊंगा तो 100% मैं करने की कोशिश करूंगा। हम सब लोग कनेक्टेड रहेंगे जिस भी फोरम पे है। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आज इस सर्विस के आखिरी दिन आप सब लोग का दिल से धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सब जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू।
जनरल अजय कुमार की जय, जनरल अजय कुमार की जय, जनरल एनसीसी की जय, जनरल अजय कुमार के जय, जनरल अजय कुमार के जय, जनरल एनसीसी के जय। हो गया।